नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर राहु की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं वृषभ लग्न के अंदर लग्नाधिपति कौन है, शुक्र। शुक्र यानी शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। और राहु कौन है, राक्षस। राहु राक्षस और ये उनके गुरु, इसीलिए शुक्र और राहु की मित्रता एकदम प्रबल मानी गई है। कुंडली में ऐसा एक नियम है कि चंद्र जहां भी बैठा हो वहां से राहु केंद्र में या त्रिकोण में बैठा होगा तो राहु की महादशा का फल अच्छा मिलता है। ठीक उसी प्रकार लग्नाधिपति शुक्र कुंडली में जहां भी बैठा हो वहां से राहु केंद्र या त्रिकोण में बैठा होगा तो भी राहु की महादशा का फल बहुत अच्छा मिलता है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर राहु जहां भी बैठा हो उसी को लग्न बना दिया जाए। फॉर द एग्जाम्पल कि हम लोग देखते हैं कि राहु को सिंह राशि में यहां रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस राहु को ही लग्न में रख देंगे, यानी कि सिंह राशि को लग्न में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए। तो यहां मैंने वो करके दिखाया है कि सिंह राशि को लग्न में रख दिया है और राहु को भी लग्न में रख दिया है और पूरी जन्म कुंडली बना दी है। और फिर प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है, जैसे कि मान लो दसम भाव के अंदर स्वगृही शुक्र मालवीय योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो उसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा। राहु की महादशा के अंदर जब भी शुक्र की अंतरदशा आएगी तो व्यक्ति व्यापार के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, नौकरी में पद प्राप्त करेगा, समाज के अंदर मान सम्मान यश जस कीर्ति प्राप्त करेगा, इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि कुंडली के अंदर वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर राहु प्रथम भाव में, दूसरे भाव में, पांचवे भाव में, छठवें भाव में, नौवे, दसवें और ग्यारहवें भाव में बैठा हो तो बहुत अच्छा फल देता है। क्यों, क्योंकि प्रथम भाव में और दूसरे भाव में राहु उच्च का हो जाता है। पांचवे भाव के अंदर कन्या राशि में स्वगृही माना गया है, उसके बाद छठवें भाव के अंदर अपने खुद के गुरु की राशि है यानी कि शुक्र की राशि के अंदर बैठा है तो वहां भी अच्छा फल देता है। नवम भाव के अंदर और ग्यारहवें भाव के अंदर मित्र राशि का माना गया है और ग्यारहवें भाव में तो राहु को बहुत शुभ मानते हैं। तो जब भी वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर ये सारे भाव के अंदर राहु बैठा हो तो राहु की महादशा का बहुत अच्छा फल मिलता है। राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख उत्तम प्राप्त होता है, प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति देश विदेश की यात्रा करता है, अगर व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो तो अच्छी सफलता प्राप्त करता है। कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो बहुत अच्छा फल देता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो तो कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, रडार इंजीनियर जैसी पढ़ाई करने से उसे बहुत लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लगते कोई भी व्यापार करे या कार्य करे तो उसको सफलता मिलने की उम्मीद भी बढ़ जाती है। राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति गुड रहस्य जैसे लगती कोई भी चीज सीखे, गुड विद्याओं से लगती कोई भी चीज सीखे जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र मंत्र यंत्र जैसे शास्त्र अगर सीखना चाहे तो वो आसानी से सारी चीजें सीख सकता है। राहु की महादशा के अंदर जो व्यक्ति फिल्म सिटी के अंदर काम करता हो, टीवी सीरियल के अंदर काम करता हो, मॉडलिंग के अंदर काम करता हो, कोई रियलिटी शो के अंदर हिस्सा लिया हो तो उसको सफलता मिलने की उम्मीद भी बन जाती है अगर कुंडली के अंदर राहु शुभ स्थिति में हो तो।
अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर राहु पाप ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, जैसे कि सूर्य राहु का ग्रहण योग बनता हो, चंद्र राहु का ग्रहण योग बनता हो, मंगल राहु का अंगारक योग बनता हो, गुरु राहु का गुरु चांडाल योग बनता हो, शुक्र राहु का लंपट योग बनता हो, शनि राहु का श्रापित योग बनता हो, अगर राहु ऐसे सब खराब योग बनाता हो, या फिर राहु कुंडली के अंदर चौथे भाव में बैठा हो, सातवें भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो या फिर बारहवें भाव में बैठा हो तो अशुभ माना जाता है। तो राहु की महादशा का फल अच्छा नहीं मिलता है और व्यक्ति को राहु की महादशा के अंदर बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जीवन में काफी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। राहु की महादशा के अंदर व्यक्ति को आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं, बीमारी के पीछे धन खर्च के योग बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र राहु की युति अष्टम भाव में हो तो जब भी चंद्र की या फिर राहु की महादशा अंतरदशा प्रत्युत दशा आती है तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने के योग बनते हैं। राहु पीड़ित हो कुंडली के अंदर, राहु कमजोर हो कुंडली के अंदर और अगर राहु की महादशा आ जाए तो व्यक्ति अंधश्रद्धा के तरफ अग्रसर होता है और जादू टोना जंतर मंतर जैसी चीजों में वो विश्वास करने लगता है। अगर कुंडली के अंदर राहु पीड़ित हो सके तो उसका दान पुण्य करना चाहिए। अभी मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है और राहु पूरी की पूरी राहु की महादशा ना ही अच्छी जाती है ना ही बुरी जाती है, क्योंकि उसके अंदर अंतरदशाओं का भी स्टडी करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि राहु की महादशा के अंदर कौन से ग्रहों की अंतरदशा अच्छी जाती है। तो राहु के अंदर राहु की अंतरदशा, उसके बाद शनि की अंतरदशा, उसके बाद बुध की अंतरदशा और शुक्र की अंतरदशा, ये चारों ग्रहों की अंतरदशा अच्छी जाती है। फिर से बोलता हूं, राहु की महादशा के अंदर राहु की अंतरदशा, शनि की अंतरदशा, बुध की अंतरदशा और शुक्र की अंतरदशा बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि ये सब राहु के मित्र है। राहु का पहला मित्र है शनि, राहु का दूसरा मित्र है बुध, राहु का तीसरा मित्र है शुक्र। तो ये तीनों ग्रहों की अंतरदशा अच्छा फल देती है, सिर्फ शर्त ये है कि ये सारे ग्रह कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में होने चाहिए। ठीक उसके अपोजिट हम जाएंगे कि राहु की महादशा के अंदर कौन से ग्रहों की अंतरदशा अच्छा फल नहीं देती। तो मैं बताने जाऊंगा कि मंगल और गुरु ये दोनों वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर प्रबल मारक है। फिर से बोलता हूं, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर मंगल और गुरु कुंडली के मारक है और राहु के परम शत्रु है, इसीलिए मंगल की और राहु की अंतरदशा बिल्कुल अच्छी नहीं जाती। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं, राहु की महादशा के अंदर सूर्य और चंद्र की अंतरदशा भी बिल्कुल अच्छी नहीं जाती। तो ये सारी बातों को समझना जरूरी है। राहु की महादशा के अंदर ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत का 1.5 साल और आखिरी 1.5 साल अच्छा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरी जो 1.5 साल है उसे दशा छिद्र कहते हैं। तो राहु की 18 साल की महादशा होती है, उसके अंदर जो आखिरी 1.5 साल होता है उसे दशा छिद्र कहते हैं। ये बहुत ही खराब पीरियड होता है, इसके अंदर कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, ये पीरियड को संभल कर लेना चाहिए, वरना इसमें अचानक कोई बड़ी नुकसानी या बड़ी तकलीफ आने की संभावना भी देखी गई है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर राहु पीड़ित होता हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला, जब तक राहु की महादशा चालू है तब तक रोज सुबह ओम रिम राहवे नमः, ओम रिम राहवे नमः के 108 जाप करने चाहिए। देवाधिदेव महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शिव मंदिर में जाकर लिंगाष्टकम, शिवाष्टकम, रुद्राष्टकम, तांडव स्तोत्रम, बिल्वाष्टकम, मानस स्तोत्रम, पंचाक्षरी स्तोत्रम, महिमन स्तोत्रम, ये सारे स्तोत्र का पूजन पाठ करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। किसी ज्योतिषकार को आप कुंडली बताकर सिर्फ राहु की महादशा के पूर्ता गोमेद का रत्न भी पहन सकते हो और अमावस्या के दिन किसी शिव मंदिर के वहां जाकर जो गरीब लोग बैठे हो उनको आप भरपेट भोजन देकर, उनको कंबल का दान कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हो।
तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।